मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी कई सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लोगों का आरोप है कि कर्मचारियों की हड़ताल से गांव से लेकर जनपद पंचायत तक विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। अनेक सूत्री मांगों को लेकर सोनकच्छ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी जनपद पंचायत के परिसर में बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक वो हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इस दौरान विधायक सज्जन सिंह वर्मा धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन का रुख करेंगे। हमारी विशेषकर मांगे ये हैं कि हमें जो मानसिक दबाव मिलता है प्रदेश स्तर से और हमारे सभी सचिव साथी, रोजगार साथी और पूरे कर्मचारी, हमारे इंजीनियर साथी, सब पर इतना मानसिक दबाव आ रहा है कि कुछ हमारे साथियों ने तो आत्महत्या कर ली है और हमारे जो जनपद सीओ ने उन्होंने भी एक जगह आत्महत्या कर ली है। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम मानसिक दबाव में इतना ज़्यादा गुजर रहे हैं, कई हमारे साथी कई बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं। अतः हमारी तो समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि हम आपको किसी भी हर आंदोलन में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सभी साथियों साथी और जो हमारे कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, हम सब ने अब धरने में बिल्कुल बैठ गए हैं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी समस्त मांगे पूरी नहीं हो जाती। देखिए, हम लोग यहाँ पर वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और एक मानवाधिकार के रूप में देखा जाए तो अगर जैसे 3 साल की किसी संस्था में काम करता है तो वो 15 घंटे का अधिकारी होगा। हम लोग यहाँ पर 15-15-20 सालों से काम कर रहे हैं। अपने जीवन के अमूल्य समय हमने शासन को दे दिया है, उसके उपरांत भी शासन हमारी कोई भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मुख्य मांग तो ये है कि हमें नियमित किया जाए। यहाँ पर दोहरा व्यवहार किया जाता है, जो लोग नियमित है उनको हमसे दुगना वेतन प्राप्त होता है और हम उनसे दुगना काम करने के बावजूद भी हम उनसे कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं। ना तो कोई महंगाई भत्ता हमको दिया जाता है, ना किसी प्रकार की अनुकंपा नीचे दी जाती है, ना किसी प्रकार की कोई पेंशन मिलने वाली है। अभी कोरोना में भी और कई एक्सीडेंट में भी हमारे साथी रहते ही हमको छोड़कर हल्का करके चले गए और अभी 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इतना मानसिक दबाव हम पर बनाया जाता है हर काम को लेकर, इतने लक्ष्य हम पर छोड़ दिए जाते हैं अनावश्यक रूप से और हमारे पास कोई स्टाफ भी नहीं है इतना बड़ा। हर योजना में 1-2 व्यक्ति है जिनसे 10-10 लोगों का काम दिया जाता है और उसके उपरांत भी हमको सैलरी बहुत कम दी जा रही है। पिछले 15-15 सालों में हमारा ना तो कोई इंक्रीमेंट मिल रहा है, ना कोई यात्रा भत्ता हम लोगों को दिया जाता है, ना कोई गाड़ी। पंचायत कर्मचारी के साथ साथ 17 विभाग हैं, मध्य प्रदेश के 17 विभाग, उनके कर्मचारी जो वास्तव में रीढ़ की हड्डी है इस प्रदेश की, वो आंदोलन की राह पे जाने के लिए मजबूर है क्योंकि उनकी वाजिब मांगों को ध्यान देना तो दूर, कोई भी मुख्यमंत्री मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। तो नैतिक मजबूरी है कि आंदोलन और हड़ताल की सहारा लेके वो अपनी बात भूमि बहरी दूल्हे लंगड़ी सरकार तक पहुँचाए और हम विपक्ष में बैठे लोग उनके समर्थन में। कभी आप मानते हैं आगे इनकी मांगे पूरी होगी? देखिए, कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो मैंने पहले भाषण में एक एक बात कांच की तरह बोलते हैं कि जिन मांगों पे आर्थिक बोझ नहीं आ रहा है, मेरे जैसा ईमानदार नेता कोशिश करेगा कि पहली कैबिनेट बैठक में उन मांगों को तत्काल मंजूर कराए, उसके बाद तिमाही कैबिनेट में हम जिन मांगों पे आर्थिक बोझ आता है उनको एक एक करके चरणबद्ध तरीके से उन मांगों को मंजूर करें। ये कोशिश हर सरकार की हमारी रहेगी।